हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 5 मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 प्रॉफिट एंड लॉस के वर्कशीटों का सॉल्यूशन देने वाला हूं। पिछले वीडियो तक हम लोग वर्कशीट 1 को सॉल्व कर चुके थे, इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए दिया गया है, ए वेजिटेबल सेलर बाउट पोटैटोज फॉर ₹200, ही स्पेंड ₹20 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड देन सोल्ड देम फॉर ₹290। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। बताया जा रहा है कि एक वेजिटेबल सेलर है जो कि ₹200 में आलू को खरीदता है, उस पर ₹20 वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करता है, उसके बाद उसे वो ₹290 में बेच देता है। तो हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सीख लिया था कि कैसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा अलग है। यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है, हुआ कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग बस ₹20 जो ट्रांसपोर्ट का हो जाएगा, पेंटिंग का हो जाएगा, ओके, ये सब जो होगा कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट होगा, इस सब चीज़ों को अब कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ सीपी निकालते थे, बट हम लोग अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब को ऐड करते हुए एक्चुअल सीपी निकालेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे पोटैटो यदि को ₹200 में खरीदा है तो ₹20 वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करता है, तो वो अपने पॉकेट से खर्चा कर रहा है ना, वो अपना पैसा लगा रहा है ₹20। तो एक तरह से देखा जाए सीपी ₹20 बढ़ रहा है, क्योंकि ₹200 में उसका उसने खरीदा था, ₹20 उसने फिर खर्चा किया उसी में, 200 और 20 हो गया, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब हम लोग एक्चुअल सीपी निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन तक हम लोग क्या करते थे, सिर्फ सीपी निकालते थे, एसपी निकालते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, प्रॉफिट लॉस आ जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब होगा क्या कि आप हम लोग एक्चुअल सीपी निकालेंगे, जिसमें कभी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, कभी पेंटिंग हो जाएगा, ओके, उसके बाद बाउंड्री वाल कभी ऐड किया जाएगा, कभी हो सकता है कुछ रिपेयरमेंट हो जाए, तो उन सभी चीज़ों को ऐड करते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल सीपी निकालेंगे, और जो एक्चुअल सीपी आएगा उसको हम लोग अपना रियल सीपी मानेंगे। ओके, अब वही हमारा सीपी का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं कॉपी में। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटो, कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटोज, कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटोज कितना दिया गया, ₹200, तो यहाँ पे लिख देंगे ₹200। ओके, अब देखियो गाइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटो हो गया ₹200, लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना दिया गया है, ट्रांसपोर्ट चार्ज ₹20। तो अब देखो ₹20 हो गया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अब हम लोगों को क्या निकालना होगा, हम लोगों को निकालना होगा एक्चुअल सीपी, कि इस पूरे पोटैटो का एक्चुअल सीपी क्या पड़ा, क्योंकि वो अपने ही पॉकेट से लगा रहा है वो पैसा। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटो, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटोज, इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे मान लो मैंने ऐड का साइन दे दिया, ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे निकल के 220, तो ₹220 क्या हो गया, एक्चुअल सीपी हो गया। अब अगला क्या दिया गया हमें, हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, ₹290, सेलिंग प्राइस दिया गया ₹290। अब हम लोगों को क्या कहा गया, हम लोगों को कहा गया कि प्रॉफिट या फिर लॉस है, जो भी है निकालना है। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि बड़ा क्या है, सीपी बड़ा है या फिर एसपी बड़ा है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं सीपी 220 आया हमारा और एसपी हमारे पास आया 290। ओके, तो बड़ा कौन हुआ, 290, तो इस केस में एसपी बड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट। हम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग फाइंड करते प्रॉफिट हुआ कि लॉस, इसलिए आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप एक बार देख लेंगे तो आप लोग प्रॉफिट लॉस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर से बता रहा हूं, यदि एसपी बढ़ा तो प्रॉफिट, यदि सीपी बढ़ा तो लॉस। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है। अब हम लोग क्या कहा गया क्वेश्चन में, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी में हम लोग छोटे को माइनस करते हैं। तो बड़ा क्या है, एसपी, दैट इज 290, एंड सीपी कितना दिया गया, 220 जो हम लोग ने निकाला। अब हम लोग जब इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा ₹70 का। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है शॉपकीपर को, एक वेजिटेबल सेलर को, वो कितना का हुआ है, ₹70 का हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ऐसे क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है इसको हम लोग ऐड करेंगे और वो सीपी के ही अंदर आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन में भी में दिया गया है, मिस्टर गुप्ता बाउट अ कार फॉर ₹40,000, ही स्पेंट ₹8,000 फॉर पेंटिंग इट। इफ ही सोल्ड द कार फॉर ₹53,000, फाइंड द गेन और लॉस। कहा जा रहा है कि मिस्टर गुप्ता ने एक कार खरीदा जिसका दाम था ₹40,000, उस पर उन्होंने ₹8,000 पेंटिंग में खर्चा किया। खर्चा करने के बाद उन्होंने उस कार को ₹53,000 में बेच दिया, तो हम लोगों को ये फाइंड करना है कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है या फिर कितना का हुआ है। ओके, ये हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे जो 8000 पेंटिंग का है वो इसी सीपी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ₹20 इसी सीपी में आ गया था, वैसे 8000 इसी 40000 में ऐड कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा एक्चुअल सीपी होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ कार। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कार 40,000 था, पेंटिंग चार्ज ₹8,000 लगा, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 48,000। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ कार। सेलिंग प्राइस ऑफ कार, अब सेलिंग प्राइस ऑफ कार कितना दिया गया है, ₹53,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कार दिया गया था 53,000। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि बड़ा कौन है, सीपी बड़ा है या फिर एसपी बड़ा है। तो सीपी 53,000 है, एसपी 48,000, तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ सीपी, सॉरी एसपी, बड़ा हुआ एसपी। तो एसपी की तरफ हम लोग क्या करेंगे, एरो देंगे। अब देखो गाइस यहाँ पे इसको हम लोगों ने बड़ा प्रूव किया एसपी को, तो बड़ा जब होता है एसपी तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट। इस स्टेटमेंट को लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, तभी पता चला कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। ये लिखने के बाद हम लोगों को क्या दिया गया क्वेश्चन में कि प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एच पी माइनस सी पी। कैसे आ जाएगा एच पी माइनस सी पी, 53,000 माइनस का 48,000, तो 53,000 माइनस 48,000 ये आ जाएगा ₹5,000। तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है ₹5,000 का, इसे हम लोग एक स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में कहा गया है रामलाल परचेज ए प्लॉट फॉर ₹1,35,000, ही कंस्ट्रक्टेड ए बाउंड्री वॉल अराउंड इट विच कॉस्टेड हिम ₹25,500, ही सोल्ड द प्लॉट फॉर ₹1,90,500, फाइंड द गेन और लॉस। कहा जा रहा है कि रामलाल ने एक प्लॉट परचेज किया था जिसका कॉस्ट था 1,35,000। अब उस पर उन्होंने क्या किया है, बाउंड्री वॉल को कंस्ट्रक्ट करवाया है। ओके, बाउंड्री मतलब कि वॉल, दीवार उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया है बाउंड्री पर, उसका कॉस्ट उन्हें पड़ा 25,500। कहा जा रहा है कि यदि उन्होंने उस प्लॉट को 1,90,500 में बेचा तो क्या हुआ, गेन हुआ या फिर लॉस हुआ या फिर कितना का हुआ, ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। बस यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट लगा, जो वॉल बनाने का कॉस्ट लगा साइड में बाउंड्री में, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो सीपी था पहले उसमें ऐड करेंगे, उससे एक्चुअल सीपी निकालेंगे, एसपी से उसको कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, जो हुआ होगा वहां पे निकालेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉपी में। सी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट। कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट कितना दिया गया है, ₹1,35,000। ये हमारे पास क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट। उसके बाद लेंगे कंस्ट्रक्शन चार्जेस, कंस्ट्रक्शन चार्जेस या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना दिया गया है, ₹25,500। तो 25,500 ना, इस प्रकार से 25,500 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअल सीपी। एक्चुअल सीपी कितना आ जाएगा, जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग दोनों को, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो एक्चुअल सीपी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹1,60,500। अब हमारे पास एक्चुअल सीपी आ गया है, और यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट। सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट, प्लॉट का सेलिंग प्राइस क्या है, तो हमारे पास प्लॉट का सेलिंग प्राइस दिया गया है ₹1,90,500। ओके, ये हमारे पास क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे बड़ा कौन है, तो एसपी, और यहाँ पे लिखते हैं सीपी। तो एसपी है 1,90,500 और सीपी है 1,60,500, बड़ा कौन हुआ, ये वाला, तो एसपी बड़ा हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं उस तीनों क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन प्रॉफिट के केस थे, केस ऑफ प्रॉफिट।
ओके हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो बड़ा होता है उसमें छोटे को माइनस करेंगे, तो बड़ा कौन है एसपी, तो एसपी माइनस सीपी। ओके अब देखिए रुपीज 1,90,500 में माइनस करेंगे रुपीज 1,60,500, तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज 30,000। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक स्टेटमेंट लास्ट में, हेंस प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम लोग डी देखते हैं। डी में कहा गया है, ए मर्चेंट बाउट अ सोफा सेट फॉर रुपीज 80,000, ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड फॉर रुपीज 15,750। इफ द मर्चेंट हैड स्पेंट 2,500 ऑन ट्रांसपोर्ट, फाइंड हिज गेन और लॉस। कहा जाता है कि एक मर्चेंट ने एक सोफा सेट खरीदा था जिसका कॉस्ट उसे पड़ा था 18,000 रुपीज। उसके बाद उसने उस सोफा सेट को बेच दिया अपने एक फ्रेंड को, उस फ्रेंड को उसने कितने में बेचा, तो 15,750 रुपीज में उसने अपने एक फ्रेंड को बेच दिया। अब आगे जो क्वेश्चन कहता है उसको हम लोग ऐड करेंगे सीपी में। आगे कहता है कि यदि उस मर्चेंट ने 2,500 उसके ट्रांसपोर्ट में भी, सोफा सेट के ट्रांसपोर्ट में भी खर्च किया था, तो हम लोगों को क्या निकालना, यहाँ पे गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि 18,000 कॉस्ट प्राइस दिया गया था, उसके बाद पहले उसने बेचा कितने में, 15,750 में। मतलब कि यहाँ पे साफ तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि सीपी बड़ा और एसपी छोटा है। उसके बाद सीपी और बड़ा हो जाएगा कब, जब हम लोग उसमें ट्रांसपोर्ट को भी ऐड कर देंगे, तो मतलब उसको यहाँ पे लॉस ही हुआ है दोनों केस में। ओके लॉस ही हुआ है, हम लोग किसी भी तरह से देखें लॉस हुआ, क्योंकि 18,000 में खरीदा, 15,750 में बेच दिया। अब उसने बताया जा रहा क्वेश्चन में कि उसने इतना इतना उसके ट्रांसपोर्ट में भी खर्च किया था, तो ट्रांसपोर्ट उसी में ऐड होगा। जब ट्रांसपोर्ट उसी में ऐड होगा तो ये वाला पार्ट जो है वो सेलिंग प्राइस में जाएगा। ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहाँ और अच्छे से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर डी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट, कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट। जब भी आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो आप लोग स्टेटमेंट्स को जरूर लिखें। कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट आप लोगों को कितना दिया गया है, 18,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट दिया गया है 18,000। अब आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिखेंगे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ओके, क्योंकि हम लोग उसे ऐड करना है। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना दिया गया है, रुपीज 2,500, तो यहाँ पर उसे भी मैंसन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल सीपी या फिर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया गया गाइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है, यहाँ पे ऐड करके निकाल लिया जाए, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20,500। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया 20,500। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट, सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट स्टेटमेंट को लिखते हैं यहाँ पे। सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट बेचा कितने में उसने, तो बेचा है उसने 15,750। ओके इतना में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बड़ा कौन है, तो एक जगह लिखते हैं सीपी और एक जगह लिखते हैं एसपी। तो हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि हर एक केस में सीपी बड़ा जाता है, तो सीपी की तरफ क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग एरो दे देंगे। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट वो कितना है, 15,750, और सीपी कितना दिया गया है, 20,500 पूरा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे लॉस, यहाँ पे लिख देते पहले, इट इज़ अ केस ऑफ लॉस। यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट जो है वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग सीपी ज़्यादा है इसलिए लॉस लिखेंगे। तो इट इज़ अ केस ऑफ लॉस, तो लॉस केस कैसे होता है, सीपी माइनस का एसपी। तो सीपी कितना दिया गया आपको, 20,500, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 15,750, तो हमारे पास आ जाएगा 4,750। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस लॉस ऑफ 4,750। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। देखिए क्वेश्चन नंबर ई में दिया गया है, ए प्रॉपर्टी डीलर परचेज ए हाउस फॉर ₹1,50,000, ही स्पेंट ₹15,000 ऑन द रिपेयरिंग ऑफ हाउस, आफ्टर 6 मंथ ही सोल्ड द हाउस फॉर ₹2,15,000, फाइंड द गेन और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी डीलर। कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक हाउस खरीदा था जिसका प्राइस उसे पड़ा था 1,50,000, उसके बाद उसने क्या किया, 15,000 उसके हाउस के रिपेयर
रिपेयरिंग में भी खर्च किया। ओके, कहा जा रहा है 6 महीने बाद उसने उस हाउस को 2,15,000 रुपए में बेच दिया। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि गेन हुआ है, लॉस हुआ है और कितने का हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले खरीदा कितने में, 1.5 लाख में, रिपेयरिंग में कितना खर्च हुआ, 15,000। तो दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्चुअल सीपी। और जो एक्चुअल सीपी हमारे पास आएगा उसी को हम लोग सीपी मान के उसी को फिर हम लोग एसपी से या फिर उस सीपी से एसपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस कितना दिया गया है, ₹1,50,000। 1,50,000 क्या कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रिपेयरिंग कॉस्ट और एक्चुअल सीपी। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया रिपेयरिंग कॉस्ट 15,000 और एक्चुअल सीपी दिया गया 1,65,000। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि सीपी बढ़ा या फिर एसपी। तो सीपी दिया गया आप लोगों को 1,65,000 और एसपी दिया गया 2,15,000। तो हम लोग यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो सीपी है वो एसपी से छोटा है और एसपी यहाँ पे क्या है, बड़ा है। तो एसपी की तरफ क्या कर दिया, हम लोगों ने एरो दे दिया। अब यहाँ पे समझना ये होगा कि अब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लिखे या लॉस। तो जब एसपी बढ़ा तो सीधा बात है प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का केस है, इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए गाइस, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, हर बताता हूँ मैं। प्रॉफिट निकालने का तरीका है एसपी माइनस का सीपी। तो एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 2,15,000, इसमें हम लोग सीपी को माइनस करेंगे दैट इज 1,65,000। तो हमारे पास आ जाएगा ₹50,000 और जो 50,000 आया है वो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। यदि आपको कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने 5 क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उसका सॉल्यूशन दे दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और आप लोग आगे के वर्कशीट का भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।